6। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक कविता और इसका शीर्षक है एक बूंद, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। और इसको लिखने वाले हैं कवि, लंबा नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, ये उनका साहित्यिक नाम है हरिओम, ओके। उनका वास्तविक नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय। आइए जानते हैं इस कवि के बारे में। अयोध्या सिंह हरिओम एक कवि भी थे, एक लेखक भी थे और एक निबंधकार भी थे, यानी वो कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे और निबंध लिखते थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1856 में हुआ था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, पारिजात, फूल और कांटा, कर्मवीर। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं, निबंध और कहानियां उन्होंने लिखी हैं। और इनकी मृत्यु हो गई 16 मार्च 1947 में। अब आते हैं इस कविता की ओर, एक बूंद। ये कविता एक छोटी सी बूंद के बारे में लिखी गई है। सबसे पहले मैं इस कविता का पाठ करूंगा, आप लोग भी अपनी अपनी किताब निकालकर मेरे साथ में उसे देख सकते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर वही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी, देव मेरे भाग्य में है क्या बदल, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल से, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह गई मुस्कान एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है करा। बहुत छोटी सी कविता है जो एक बूंद के बारे में लिखी गई है। आप कह सकते हैं एक बूंद के भविष्य के बारे में, पानी की एक बूंद के भविष्य के बारे में कविता लिखी है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। लेकिन वो बताना चाहते हैं हम सभी को, पूरी मानव जाति को, कि अगर हम अपने घर से बाहर नहीं निकले और कुछ कठिन काम नहीं करें तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। जैसा कि कोई भी स्टूडेंट 10, 11, 12 करने के बाद कॉलेज जाता है, घर छोड़ देता है, घर की सारी सुख सुविधाएं उसे मिलती नहीं है, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद वह काम करने के लिए किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे नगर जाता है। अगर वो ऐसा ना करे तो कभी भी उसके जीवन में प्रगति नहीं आएगी, वो कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। तो आइए समझते हैं इस कविता का भावार्थ। जो निकलकर बादलों की गोद से, बादल आप सब समझते हैं क्लाउड्स, सो बादल की गोद से जो बूंद वहां पहले थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। अब बादल से निकलेगी, आगे बढ़ेगी तो कहां जाएगी, जमीन पर ही आएगी। और इस बूंद के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, सोचने फिर यही जी में लगी, जी यानी कि मन, उसके मन में बार बार यही विचार आ रहे थे, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी, मैं अपना इतना अच्छा घर, बादलों का घर छोड़कर क्यों जा रही हूं, हे भगवान, हे खुदा, मेरे नसीब में क्या है, व्हाट इज लाइंग इन माय फ्यूचर, क्या होगा मेरा। काफी डरी हुई वो बूंद कि आगे भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, यानी हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, क्या होने वाला है मेरे साथ भविष्य में,
क्या है मेरे नसीब में, क्या है मेरे तकदीर में, क्या है मेरे भाग्य में। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल से, क्या मैं बच जाऊंगी या धूल में मिलकर खत्म हो जाऊंगी। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या फिर शायद मैं किसी जलते हुए कोयले पर, अंगारा बोलते हैं जलते हुए कोयले को, रेड हॉट कोल। तो अगर एक बूंद, पानी की बूंद जलते हुए कोयले पर पड़े, अंगारे पर पड़े, तो क्या होगा, वो जलकर खत्म हो जाएगी। तो या तो वो धूल से मिलकर खत्म हो जाए, या अंगारे पर गिरकर खत्म हो जाए। चूम पड़ूंगी या कमल के फूल में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं कमल के फूल के दलों पर चू जाऊं। तो वो काफी आशंकित है अपने भविष्य को लेकर कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो यही सब सोच में है और भगवान से वो पूछ रही है कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। ठीक उसी समय बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उस काल यानी उस अवधि में, उस समय में, उस ड्यूरेशन में हवा का एक झोंका आया और वो पानी की बूंद शायद सीधा नीचे गिरने वाली थी, वो कुछ दूर चली गई उस हवा के झोंके के साथ। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर ओर आई अनमनी। समुद्र यानी कि समुद्र। सो शी वाज कैरिड टू द ओशन अनमनी यानी बेमन से। वह पहले से ही डरी हुई थी और हवा के कारण वह और भी दूर चली गई समुद्र की ओर। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। सीप बोलते हैं ऑयस्टर को, हिंदी में उसे शंख भी कहते हैं। सो ऑयस्टर जो समुद्र में होता है वो खुला हुआ था और उसी में ये पानी की बूंद जाकर गिरती है। वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। और इसका भाग्य कितना अच्छा था कि न वह अंगारे पर गिरी, न वह धूल में मिली, वह सीधा गिरी एक सुंदर सीप के मुंह में और परिवर्तित हो गई एक मोती में। मोती है एक कीमती रत्न, पर्ल, जिसका गले का हार बनता है। तो वह एक मोती बन गई सीप में गिरने के बाद। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, ठीक जैसे बूंद सोच रही थी वैसा हम लोग भी, हम सभी सोचते हैं जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब सारी सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं और अनजान जगह पर जाते हैं, तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं, झिझकते हैं। झिझकना बोलते हैं हिचकना, टू हेजिटेट। तो हम भी काफी डरे हुए होते हैं कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, आगे क्या होने वाला है। न माँ बाप है, न भाई बहन है, न दोस्त है, मैं एक अनजान नगर शहर में जा रहा हूं, मेरा क्या होगा। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। और विधि का विधान है कि हम सबों को अच्छे के लिए, फॉर द बेटरमेंट, अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, लेकिन हमेशा, अक्सर यानी हमेशा, हमेशा उन्हें घर छोड़ने के बाद बूंद लाओ कुछ और ही देता है करा कर। यानी कि जैसे कि बूंद डरी भी थी, बहुत सोच रही थी क्या होगा मेरे साथ, मैं जल जाऊंगी या मिट जाऊंगी, लेकिन बूंद मोती में परिवर्तित हो गई। ठीक उसी तरह से जब आप अपना घर छोड़ते हैं आगे पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए, तो निश्चित रूप से आपका भला ही होता है। जब तक हम डर की वजह से अनजाने रास्तों की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हमारा जीवन एक ही ढर्रे से चलता रहता है। यानी कि जब तक हम लोग अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, घर में, परिवार में होते हैं, तो हमारा जीवन एक जैसा ही रहता है। लेकिन अगर हम हिम्मत जुटाकर अनजाने रास्तों पर कदम बढ़ाते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है और निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करते हैं। यही थी ये छोटी कविता एक बूंद। तो आप लोग इसका पाठ कीजिए, पढ़िए और इसका शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।